प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब दी वित्ती हालत तो सब जाणू ने, मौजूदा सरकार ने वित्ती हालत नूं सुधारन दे नां उत्ते कई पहलकदमियां कीतियां ने। बिना टैक्स वाला बजट पेश करन तों बाद वित्ती हालत नूं सुधारन लई नवें टैक्सां दी ब्यौंतबद्दी कीती जा रही है। सरकारी अदायगियां उत्ते पाबंदियां लगा के जां इन्हां नूं मुलतवी करके की हासिल कीता जा सकता है? पंजाब दे खजाने की खस्ता हालत का अंदाजा लगाने लई किसी नूं अर्थचारे का माहिर होने की लोड़ नहीं। मौजूदा वित्तीय वरे का बजट पेश करते समय पंजाब दे वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने खुलासा किया कि सूबे का माली ते वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा वित्तीय वरे का बजट 57,648 करोड़ रुपए है। इस विचों 7,000 करोड़ पिछले कर्जियां दे व्याज की अदायगी लई रखे गए ने। वित्तीय वरे 2011-12 के सोधे हुए अंदाजे मुताबक वित्तीय घाटा 9,633 करोड़ रुपए है। मौजूदा वित्तीय वरे के वित्तीय घाटे का अंदाजा 8,924 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री ने आप तो भावे किसी टैक्स की तजवीज पेश नहीं की थी, पर बजट के अखीर विच कहा गया कि 2,000 करोड़ रुपए की वाधू आमदन स्रोतों का बंदोबस्त करना होगा। उन्होंने इस तजवीज का खुलासा करते हुए कहा कि बेहतर टैक्स प्रबंध से संजम नाल लोड़ींदा सरमाया जुटाया जाएगा। संजम लिए वित्त मंत्री ने दो नुकते सुझाए सन। उन्होंने कहा कि नवे वाहनों की खरीद उत्ते पाबंदी लगाई जा सकती है। मंत्रियों ते संसदी सकत्तरां दीआं तनखाहां विच 10% स्वै इच्छा कटौती की जा सकती है, जो करन दा दावा भी किया गया है। सरकारी वाहनां दे तेल ते मुरम्मत, दफ्तरां दे टेलीफोन ते बिजली बिलां विच 10% कटौती की जा सकती है। दफ्तरी खर्चियां विच 10% कटौती दे इलावा मुरम्मत ते साजो समान की खरीद उत्ते पाबंदी लगाई जा सकती है। म्युनिसिपैलिटी चोणां ते विधानसभा की जिमनी चोण तों बाद पंजाब सरकार दीआं नवें टैक्सां दीआं तजवीज़ां सामने आ रहीआं ने ते कुछ होर तजवीज़ां दे सामने आउण दी संभावना है। मुलाजमान की सफरी छुट्टी एक साल लई मुलतवी की गई है। इस तरह सेवा मुक्त हो रहे मुलाजमान का बकाया जारी करने उत्ते कुछ पाबंदियां लगिया हुई ने। हुण खबर आ रही ने कि सरकार ने सब अदायगियां उत्ते अगले हुक्मां तक पाबंदी लगा दी है। सरकार दीआं इन्हां तजवीज़ां का सूबे के अर्थचारे उत्ते की असर पेगा? बिजली, खंड ते मोबाइल सेवावां महंगीआं होण तों बाद हुण पंजाबीआं उत्ते होर बोझ पैण की संभावना है। कि आवाम की जेब हल्की होण नाल सरकारी खजाने की हालत सुधर सकती है? पंजाब दी मौजूदा वित्तीय हालत विचों निकलण लई कीते जा रहे उपराले किहो जिही वित्तीय सूझ दा सिट्टा ने, इह किन्ने कु कारगर हो सकदे ने, इन्हां मुद्दिआं उत्ते चर्चा करन लई साडे नाल स्टूडियो विच हाजर ने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, जो श्रोमणी अकाली दल दे रोपड़ तों विधायक ने, कुलजीत सिंह नागरा जो कांग्रेस दे फतेहगढ़ साहिब तों विधायक ने, ते डॉक्टर तगेंद्र जो पंजाबी यूनिवर्सिटी दे रीजनल कैंपस घनौर विच पोलिटिकल साइंस पढ़ाउंदे ने। तुहाडा सारिआं दा अज दी चर्चा विच स्वागत है। चीमा जी, इक तां इह हुंदा कि वी तुसीं पैसे कित्थों कमाउणे ने, पुराना जिहड़ा कर्जा जां जो भी देणदारियां ने ओह किवें पूरियां करनियां ने? इक देणदारियां नूं सिर्फ मुलतवी करन दा मसला है, इह किस किस्म दी वित्ती सूझ है? देखो, हले पंजाब विधानसभा दा बजट थोड़े दिन पहला पेश होया और बड़े स्पष्ट रूप दे विच कल्ला कल्ला जिहड़ा अंकड़ा, हाँ जी, चाहे रेवन्यू डेफिसिट है, चाहे टोटल कर्जा, हाँ जी, चाहे फिस्कल डेफिसिट है, चाहे डेट दी जीएसटीपी दी रेशो है, हाँ जी, हर एक अंकड़ा फ्लोर दे उत्ते चंगी तरह दे नाल कल्ला कल्ला डिस्कस किया गया। ठीक। और सारी पोजीशन अपोजिशन दे सामने खुल के रखी गई, खुल के डिस्कस की गई, हाँ जी, और कोई भी जिहड़ा हैगा उहदे च फ्ला जिहड़ा उह अपोजिशन साडी पॉइंट आउट नहीं कर सकी। हुण जिहड़ा आखरी हिस्सा बजट दा, आखरी खबर है, हाँ जी, मैं कह रहा तुसीं जिहड़ा जिक्र कीता, हाँ जी, इह फर्स्ट टाइम नहीं हुंदा, हाँ जी, बहुत वारी साल दे विच चाहे कोई भी सरकार हो, उदो मामूली एक दो दिन वास्ते कोई जिहड़ी ट्रांजैक्शन है ट्रेजरी दी रोकणा, हां जी, जदों कि सरकार ने कोई मेजर भुगतान करना हो, हां जी, इह कोई नवीं गल नहीं हुंदी, सारियां सरकारां करदियां, हमेशा करदियां, और बहुत वारी साल दे विच लोड़ इहनां दी दो तीन वारी पैंदी। ठीक। हुण वी सरकार ने जिहड़े मुलाजमां दे जिहड़े एरियर देने सी, पेंशनर दे एरियर देने सी, उहनां दी किस्त जिहड़ी इस महीने जारी कीती है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
देखो उदे वास्ते जिहड़े असी अपने जिहड़े टैक्सेस लाउण दी गल भी थोड़ी जी कीती है। हाँ जी। और दूसरा जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी जिहड़े वाले पासे बहुत घाटा पै रहा सी, हाँ जी, उहदे स्थिति सुधारन वास्ते भी जिहड़ी है 12% इनक्रीज जिहड़ी है बिजली दे विच कीती है। इस तरह की कोशिश यही है कि आने वाले समय के लोगों के उत्ते भी घट तो घट बोझ पाया जाए, तो जिहड़ी ये जिहड़ी बजट के कमिटमेंट की अपनी वो भी साडी पूरी की जाए। ना तो टैक्सेशन सरकार लाएगी, हाँ जी, और जिहड़ी जरूरी चीजा है वो पहले ही जिहड़ियां है फ्लोर के उत्ते पीएन जा चुकी हैं, उन्हां दी पूर्ति तो अलावा होर कोई प्लान नहीं सरकार दी कि जिस तरह दिल्ली च हुंदा कि अज पेट्रोल वध गया परसों होर वध गया कल नूं डीजल वध गया, इस तरह की अन्नेवाद लोगों के उत्ते कोई भी चीमा जी जिहड़ी तुसीं इह गल कही है कि वी बिजली दीआं तुसीं कीमतां वधाईआं ने उहदे नाल जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी कमिशन है उहदी जिहड़ी ऑटोनमी दे उत्ते इक सवाल है, आपां उहदे ते अज चर्चा नहीं करांगे, आपां हो गए तुसीं की कहना चाहोगे कुलजीत जी इस बारे। देखो जिहड़ी मौजूदा सरकार है इहदा टोटल जिहड़ा आ जिवें कह दईए ना कि असली चेहरा जिहड़ा आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲਾ 12% ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 55% ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 12% ਲਾ ਲਓ 55 ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਟੋਨਮਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਵਧਾਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਧਾਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਗਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸੰਜਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਓਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ?
दूसरी गल है भी दावे बहुत किए जाते हैं हरेक पोलीटिकल पार्टी करती है चाहे कोई भी इलेक्शन तो पहला भी असं जी अपने बजट खर्चे घटावे असं आ करा असं और करा पर देखने यह गल नहीं मिलती गी जिमें तुम भी दिखाया गया भी नवी गड्डिया नहीं लिया जा स्पीकर साहब की डिमांड है भी मैं जी हम ओडी लैके दी जाए क्योंकि उन्होंने गोड्या की प्रॉब्लम है तो बैटर तो यह है भी उन्होंने जे चीमा साहब गोडी ठीक करा दे 2 लाख का सरजूगा कितने इन्नी महंगी गड्डी लेके देनी यानी सरकार अल्टरनेटिव देखने चाहिए है खर्चे दे जे इस तरह अल्टरनेटिव देख लैणगे हो सकता भी यह ना क्राइसिस उस लैवल से खड़े होण पर जिहड़ी नमैश की गल जिवें हुण इन्हां ने जिन्हां दे बच्चे फादर मर गए उन्होंने जो जॉब्स देंदे आ तो उहदे लई वड्डे वड्डे प्रोग्राम किए जाते सरकार नूं वर्क करना चाहिए ना कि एडवरटेजमेंट करनी चाहिए लोग तुसी काम करोगे लोग अपने आप तुहानूं जिता देणगे। हाँ जी चीमा जी जिवें पिछले दिनों दे विच जिहड़ा तगिंदर होणा ने हवाला दिता 32 जिहड़े अध्यापकां नूं नियुक्ति पत्र देने लई एक वड्डा समागम सरकार करदी है मोहाली दे विच इस किस्म दे जिहड़े समागम ने इहनां तों तां बचा जा सकदा संजम वरत्या जा सकदा इहदे ते देखो गल है जिथे संजम करन दी लोड़ है सरकार उत्थे संजम करदी कहावत है बोले छन नहीं की बोले साडा वाह उन्हां लोकां दे नाल पिया जिन्हां ने अज धरना रखिया 12.5% बिजली की जिहड़ी इनक्रीज हुई है उहदे ते पहला तो इन्होंने अपनी पीढ़ी थले सोटा नहीं फेरिया भी जिथे कांग्रेस का राज है जिन्हां स्टेटां दे विच असी किन्ने दिनों तो अखबारों के ग्राफ दिते है कि कहड़ी कहड़ी स्टेट दे विच किन्ने किन्ने परसेंट इलैक्ट्रिसिटी दे विच वाधा जिहड़ा कीता गया वह नजरअंदाज करके इन्होंने धरना रखा एक ड्रामा करना सी अज का दिन धरना सी ते रात नूं 70 पैसे पेट्रोल की कीमत जिहड़ी आ उह वध गई। मैं नागर साहब नूं पुछना चाहुंदा भी महंगाई की इन्हां नूं इन्नी चिंता मच्छर की गरीब की इन्नी कट्टण की चिंता तो उन्हें दिल्ली वाले भी जाके पुछो भी जो डीजल के भाव चौथे दिन वधे आ पेट्रोल के भाव चौथे दिन वधे आ जिहड़ा बंदा मोबर च पेट्रोल पा के जिन्हें सवेरे जाना उहदी की हालत हुंदी की गरीब तोल मरा पड़ा है कि गरीब ते गरीब दा सिमा साहब सैकल ते गल दा जवाब देणा तो तुहाडी दा दूजी गल आ कि जिहड़ी सेंटर जिहड़ी स्टेटां दी जिहड़ी हैगी आ पैसे दी जिहड़ी आपां चिंता जरूर करदे आ लेकिन उहदे वास्ते जिहड़ा वड्डा लार्जर इशू जिन्नी देर एड्रेस स्टेटां दा नहीं हुंदा जिन्नी देर सेंट्रल स्टेट रिलेशन दे विच डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस दा साडा सिस्टम जिहड़ा उह इंप्रूव नहीं हुंदा उन्नी देर तक स्टेटां नूं जिहड़ा दोष देना बिल्कुल गलत है। पहला असीं मंग करदे हुंदे सी कि जिहड़ा हैगा 50% घट्टो घट जिहड़ा स्टेटां दे जिहड़े डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस दे विच साडा शेयर होना चाहीदा अज जिन्ने इन्हां दे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने उन्हां दे चीफ मिनिस्टर भी यही मंग करदे आ कि जिन्नी देर तक उह सानूं इमानदारी दे नाल जिहड़े टैक्स स्टेटां दे विचों कलैक्ट हुंदे आ उह वापस नहीं दित्ते जांदे इसे टैक्स रिजीम दे अंदर इन्हां नूं होर पुछणा चाहुंदा 8,000 करोड़ ते स्टेट दी इनकम सी जदों छड्ड के गए सी अज 20,000 करोड़ ते स्टेट अपनी इनकम लैके गया उदों तां असीं किसे ते कोई टैक्स नहीं लाया बिल्कुल तय है करजे की और GSDP की जिहड़ी रेशो सी तुहाडे 5 साल दे समय च एक वारी भी 40 तो चीमा जी चीमा जी तुहाडा उत्तर अज दी तारीख च 30.6 है जिहड़ी के उहदे जोर चीमा जी कुलजीत जी मैं वापस आवांगा हुण वेला हो गया एक छोटे जे ब्रेक का ब्रेक तो बाद असीं चर्चा जारी रखांगे।